कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आप लोग को पता है कि आप लोगों का एक असेसमेंट होने वाला है और उसके संबंध में मैंने आपके ई पोर्टल पर उन पाठों के नाम लिखकर डाल दिए हैं जिनसे आपका प्रश्न पूछा जाएगा। आपको इन पाठों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और वे सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, अर्थात MCQ। तो आप लोग को मल्टीपल चॉइस दिया रहेगा, उसमें से आप लोगों को चुनना है सही उत्तर। तो आप लोगों कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं मैंने बता दिया है, आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिएगा। अब आप लोगों को मैं कुछ आज की कक्षा में कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ कि उस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को तैयारी करने में सुविधा होगी। तो मैं एक एक पाठ जो आप लोग को पढ़ना है जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे उससे मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन, अर्थात उसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं कुछ प्रश्न और उत्तर आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे प्रत्येक पाठ के कवि और लेखक का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे ध्वनि पाठ के कवि का नाम लिखिए या ध्वनि पाठ के कवि का क्या नाम है, वहाँ आपको बहुविकल्पीय उत्तर दिए होंगे, आप लोगों को उसमें से एक सही उत्तर चुनना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ध्वनि पाठ के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उसी तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लाख की चूड़ियां पाठ के लेखक का नाम क्या है या नाम लिखिए, तो आप लोग को पता है क्या नाम है लेखक का, कामता नाथ। उसी तरह अगला है बस की यात्रा जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बस की यात्रा पाठ के लेखक का नाम लिखिए, तो क्या नाम है आप लोग को पता है, क्या नाम है, हरिशंकर परसाई। तो आप लोग पाठ के कवि और लेखक का नाम अवश्य याद कर लीजिएगा। उसी तरीके से जो ये आपके तीनों पाठ हैं इनके भीतर से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि MCQ है, आपके जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक में वे दीर्घ उत्तरीय हैं, तो वहाँ से तो प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। तो पाठ के भीतर से छोटे छोटे क्वेश्चन निकालकर उनके ऑप्शन के साथ जो सही उत्तर है वहाँ दिया रहेगा, आपको बस सही उत्तर चुनना है। जैसे मैं एक दो प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैसे कवि किसके ऊपर अपने कोमल हाथों को फेरना चाहता है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, निद्रित कलियाँ। अपने कोमल हाथों को किस पे फेरना चाहते हैं, निद्रित कलियों पर या सोई हुई कलियों पर, तो आप लोग को उत्तर इस तरह से रहेगा, वहाँ पे दिया रहेगा, आप लोग को बस चुनना है सही उत्तर। उसी तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कवि पुष्प पुष्प से क्या खींच लेना चाहते हैं, तो उत्तर क्या होगा, कवि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लेना चाहते हैं। ये तो मैंने उत्तर बताया, वहाँ पर बस दिया रहेगा तंद्रा आलस या तंद्रा लालसा, तो आप लोग को सही उत्तर चुनना होगा। उसी तरीके से मैं अब सीधे चला जा रहा हूँ, हमारा जो अगला पाठ है लाख की चूड़ियाँ, कवि का नाम मैंने बता ही दिया, लेखक का नाम मैंने बता ही दिया है कि कामता नाथ है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बदलू कौन था, तो आप लोग को उत्तर क्या लिखना है, वहाँ पर
बदलू कौन था वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग को पता है कि बदलू एक मनिहार था, तो मनिहार था। और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बदलू का पैतृक पेशा क्या था, वह किस तरह का कार्य करता था, उसका खानदानी बिजनेस क्या था। तो उसका पैतृक पेशा क्या था, हम लोग जानते हैं कि उसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ बनाने का था। उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि लेखक गांव में बदलू के पास क्यों जाता था, तो लाख की चूड़ियों की लालसा में वह जाता था। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरह मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि बदलू की बेटी का नाम क्या था, तो आप लोग को पता है कि बदलू की बेटी का नाम रज्जो था। उसी तरीके से बदलू कहाँ बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो नीम के पेड़ के नीचे मचिया पर बैठकर वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। अभी इतना लंबा तो उत्तर नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर अगर दिया रहे नीम के पेड़ के नीचे तो आप लोग नीम के पेड़ के नीचे लिखिएगा, अगर दिया रहेगा मचिए पर बैठकर तो मचिए पर लिखिएगा। उसी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था, तो लला कहकर पुकारता था। उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि लेखक की दृष्टि कहाँ गई, तो लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर गई। या पूछा जा सकता है कि लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर क्यों गई, क्योंकि उसकी कलाई पर लाख की चूड़ियाँ फब रही थी। उसी तरीके से अब हम लोग अगले पाठ में चले जाते हैं और देख लेते हैं कुछ प्रश्न। बस की यात्रा, तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया कि पूछा जा सकता है कि लेखक का नाम बताइए, बस की यात्रा पाठ के लेखक का नाम बताइए, तो बस की यात्रा पाठ के लेखक का नाम हरि शंकर परसाई है। उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि बस को क्या कहा गया है, तो बस को डाकिन कहा गया है। पूछा जा सकता है कि लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी, तो बस की जर्जर हालत को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक ने बस को किस योग्य माना है, पूजा के योग्य माना है। पूछा जा सकता है कि बस रात में कैसे चल रही थी, तो बस रात में रेंग कर चल रही थी या टटोल टटोल कर चल रही थी। पूछा जा सकता है कि लेखक बस में लेखक के साथ कौन सफ़र कर रहा था, तो बस में लेखक के साथ उसके मित्र सफ़र कर रहे थे। ये भी पूछा जा सकता है कि लेखक कहाँ जाना चाहता था, तो लेखक कहाँ जाना चाहता था, लेखक जबलपुर जाना चाहता था, माफ कीजिएगा सतना, पन्ना से सतना जाना चाहता था। तो इस तरीके के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन पाठों से, तो आप लोग पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सभी उत्तर दे पाएंगे आप लोग। अब थोड़ा मैं भारत की खोज से बता दे रहा हूँ कि भारत की खोज से आप लोगों को मैंने कहा है केवल अहमदनगर का किला आप लोग पढ़िएगा, तो अहमदनगर के किले के अंतर्गत क्या है, अहमदनगर का किला है, अतीत का भार है और अतीत का दबाव है, तो आप लोग इसको बस थोड़ा रीडिंग कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि भारत की खोज पाठ्यपुस्तक के लेखक का नाम लिखिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
इसके अतिरिक्त पूछा जा सकता है कि यह लेखक की कौन सी जेल यात्रा थी, तो 9वीं जेल यात्रा थी। लेखक का जेल में बंदी जीवन में स्थायी सहचर कौन था, तो उत्तर होगा चांद। उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि लेखक ने कुदाल छोड़कर क्या अपना लिया, तो हाथ में कलम पकड़ लिया। तो इस तरीके के आपके प्रश्न आएंगे, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अगर किसी तरह की समस्या हो तो आप लोग ई पोर्टल पर लिखिएगा, मैं आपको उत्तर दूंगा। और हाँ, नैना नैना, तुमने कुछ प्रश्न किए थे, तुम ये मेरी सलाह है कि तुम उस वीडियो को, अर्थात जो शब्द विचार का मैंने वीडियो डाला है, तुम उस वीडियो को 2-3 बार अवश्य रिपीट करके देख लो, तुम्हें पाठ समझ में आ जाएगा। अगर ना आए तो मुझसे कहना, क्योंकि एक बार सरसरी दृष्टि से अगर हम वीडियो को देखते हैं तो पाठ हमें समझ में नहीं आता है, तो उसको 2-3 बार देखना, पाठ समझ में आ जाएगा। अगर ना आए तो फिर मैं तुम्हें अवश्य मदद करूँगा। तो मेरी सलाह है कि तुम कम से कम 2-3 बार वीडियो अवश्य देखना। और कोई समस्या हो तो मुझसे कहिएगा। जो हमारा आउटकम का एग्जाम आउटकम होने वाला है, असेसमेंट होने वाला है, उसका मैंने ई पोर्टल पर अपलोड कर दिया है सिलेबस, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। कल आप लोग का लाइव क्लास है, आप लोग वहाँ पर भी प्रश्न करिएगा, मैं आप लोग को उत्तर वहाँ दूंगा। तो मिलते हैं कल की कक्षा में।